हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और शाम उनके उन्हें एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आपको लेकर क्या है उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में, चले जाने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देख लेते हैं अब क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। फोकस बना कर रखिएगा, सोचिएगा उनके बारे में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, किस एनर्जी में है वो, यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं आज शाम मेरे व्यूअर्स के बारे में। काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लाइट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो थॉट्स है, जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है आपके लिए, वो काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर देख पा रहे हैं आप में एक चाइल्डिश एनर्जी है, कुछ ऐसे एनर्जी है जो कि इनको आपकी ओर खींच रहा है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी चाइल्डिश नेचर, एनर्जी, आपका प्योरिटी, आपका मासूमियत, आपका इनोसेंट एनर्जी, जो आप इनोसेंट हो, इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप एक बेबी की तरह हो, एक बेबी की तरह प्योर हार्टेड हो। आपका हार्ट काफ़ी प्योर है, आपकी एनर्जी में काफ़ी प्योरिटी है, आप काफ़ी हंसमुख हो, काफ़ी स्वीट हो, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो आप। ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। आपका जो एनर्जी है उसमें बदलाव आया है, आप पहले से कहीं ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप सेल्फ़ लव कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, बनने की कोशिश कर रहे हो, बन गए हो, आप बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ नहीं है, सही और गलत क्या है, आपको फ़र्क पता है, ठीक है। आप वेल एजुकेटेड हो सकते हो, शिक्षित आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप काफ़ी नॉलेजेबल हो। अगर ये आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर आपको याद करते हुए दिखाई दिए हैं, आपके पार्टनर को आप काफ़ी याद आ रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप गार्डनिंग कर रहे हो या आपको शौक है, आप खुद का ख्याल रख रहे हो, नेचर का ख्याल रख रहे हो। आपका जो कर्म है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो आपका एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी खुशी, आपकी हंसी इस व्यक्ति को आपकी ओर खींच रहा है, ठीक है। ये खुद को अलोन पा रहे हैं या आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था, अपना पिक्चर पोस्ट किया है, आपको देखते हुए दिखाई दिए हैं, सोच रहे हैं कि वीडियो कॉल करे आपको कॉल टेक्स्ट करे, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि रिसेंटली आप दोनों का वीडियो कॉल हुआ है, ये देखना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक तड़प है इनमें आपके लिए, आपको देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल, ये वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, तीनों ही कार्ड मेजर आर्काना है। ओके, और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज शाम, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको लव देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई थिंक आप दोनों ही रेडी हो यूनियन के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही फायरी एनर्जी में हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हो, या दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, ठीक है।
ये चाहते हो कि ये जो कनेक्शन है वो ग्रो करे, आगे बढ़े, बैलेंस हो, इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, अपने तरफ से दोनों ही एक्शन ले रहे हो या तो लेने वाले हो। आज ये हो रहा है करेंटली, ठीक है, कुछ दिनों में ये होगा या हो रहा है, ये फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही रेडी हो, दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे हो, हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रही है आपके रिश्ते में। जहाँ पर आप दोनों अलोन थे, खुद को अलोन पाते थे सामने वाले पर्सन के बिना, तो वहीं आप दोनों मुझे यूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे न्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगले कुछ घंटों में क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, उनके और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है, आज शाम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, आपके पार्टनर से क्या उम्मीद कर सकते हो। ओके, चेंजेस लाए, ट्रांसफॉर्म करें सिचुएशन को, कुछ बदलाव लाए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो और वक्त सही नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है आपकी यूनियन का, न्यू स्टार्ट का, इनसे मिलने का, इनके साथ वापस से कनेक्शन में आने का, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है कम्युनिकेशन का या इनके साथ न्यू स्टार्ट का, यूनियन का आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है तो इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर आपके पार्टनर रेडी नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ये उनको समझ ही नहीं आई है कि लव क्या है, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, वो ज़रूर समझेंगे अगर वो आपके लव हैं। किसी को एहसास होगा, देरी से होगा, बट होगा ज़रूर कि वो आपके लव में हैं और आपके साथ, आपका होना कितना इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपसे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, हैप्पीनेस आती है, वो खुद महसूस करेंगे। ठीक है, मेरी अंधेरी दुनिया को अगर कोई रोशन कर सकता है, अगर कोई लाइट ला सकता है, तो यही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये आपके पार्टनर के मन में ज़रूर आएगी ये बात, और जब ये ऐसा फील करेंगे तो ये ज़रूर आपकी ओर बढ़ेंगे, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ये रीडिंग में आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप काफ़ी हर्ट हो या हर्टफुल एनर्जी में आप जाओ, या तो आपने काफ़ी पेन देखा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आप टोटली डिसअपॉइंट हो चुके हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, आपने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आपको देखना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स आप में आ रहे हैं, आते हैं, कभी आया था, बिल्कुल आपकी जो ज़िंदगी है वो रुक सी गई है, ऐसा लग रहा है कि बस अंधेरा है और इस अंधेरी रात की कोई सुबह ही नहीं है, बट ज़रूर सुबह होगी आपकी लाइफ में, डोंट वरी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेचर के क्लोज रहिए, और हो सके तो जिस भी आप कास्ट रिलीजन के हो, जिस भी शक्ति पर आपको बिलीव है, उनके साथ रहिए। पूजा पाठ में आप ध्यान दे सकते हो, ये आपके लिए बेहतर होगा, मेडिटेशन कर सकते हो, नेचर के क्लोज रहिए, चैंटिंग आप कर सकते हो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए और उनके क्लोज रहिए। ठीक है, ये आपके लिए सही होगा अगर करेंटली आप काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी दर्द में हो, आपको आपकी लाइफ ऐसा लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं रखा है, या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब कीजिए, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी, और जब आप लाइट एनर्जी में रहोगे, जब आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, कि आपकी लाइफ में लव है। मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपके लाइफ में लव है, उनसे आपकी यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर होगी, वो आपके लाइफ में एक सही टाइम पर आएंगे। हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, जिनके साथ एंड हुआ, वो राइट नहीं थी आपके लिए,
थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है किसी के साथ रिश्ते का एंड हुआ है या तो होने जा रहा है, ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो या तो जाने वाले हो, और अगर हो ऑलरेडी नो कांटेक्ट है यहाँ पर एंड हो गया है तो कोई पास्ट से आपको याद कर रहा है, कोई पास्ट का बेचैन काफ़ी है, आपको देखना चाह रहा है, आपको मिलना चाह रहा है, वो चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को जो आप दोनों के बीच है, वापस से हैप्पीनेस, वापस से रिलेशनशिप, वापस से यूनियन, वापस से न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके बारे में आपको लेकर ड्रीम्स देख रहे हैं कंटिन्यूसली, आप इनके ड्रीम में आ रहे हो, बात करना चाहते हैं, ये बात करने के लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी से टैरो रीडिंग्स लिया था, ये किसी एस्ट्रोलॉजर को इन्होंने कंसल्ट किया था। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने भगवान से, जिस भी शक्ति पर ये बिलीव करते हैं, उनसे, यूनिवर्स से आपको मांगते हुए दिखाई दिए हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए हैं, फ्रेंडशिप का या वापस से साथ में आने का, या आपको हर्ट कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो यूनिवर्स से मांग रहे हैं इनको माफ़ करते, मन ही मन में, दिल ही दिल में माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है या किसी से गिफ्ट मिलने वाला है आपको, यूनिवर्स से आपको गिफ्ट मिलने वाला है। और उस गिफ्ट से जो भी आपका ड्रीम है या विश है वो फुलफिल होगी। ठीक है, ये रीडिंग्स में आ रहा है, आई थिंक आपका शादी होने जा रहा है, ये जल्द ही हो जाएगी, 3 मंथ्स के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर आप किसी के हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हो, आपको प्रपोजल मिलने वाला है एक राइट पार्टनर से, एक राइट पर्सन से, वो राइट पार्टनर होंगे आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साइंस मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, ऑल साइंस है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।